हेलो फ्रेंड्स, जयस किचन जोधपुर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमने बनाए हैं ये सूजी के खमन ढोकले, जो कि बहुत ही इजी हैं और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो कैसे बनते हैं ये सूजी के खमन ढोकले, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम सूजी का ढोकला बनाने जा रहे हैं, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक कटोरी सूजी यानी कि रवा लिया है, और उसके साथ मैंने 2 बड़े चम्मच जितना दही लिया है और 1 कटोरी पानी लिया है। तो सबसे पहले हमें सूजी को थोड़ी देर भिगो करके रखना है, तो हम इसका बैटर बना लेते हैं। तो उसके लिए दोस्तों मैंने एक बड़ा बाउल लिया है। दोस्तों, सूजी को मैंने बड़े बाउल में ले लिया है, इसके अंदर मैं ये दही ऐड कर रही हूँ, और ये 1 कटोरी पानी है, इसका मैं आधा भाग डाल रही हूँ। सूजी को और दही को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। दोस्तों, सूजी को हमने भिगो दिया है दही और पानी में, तो इसे हम 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट देते हैं और ढक्कन लगाकर रख देते हैं। दोस्तों, 15 से 20 मिनट हो गए हैं, आप देख सकते हैं सूजी हमारी अच्छे से फूल गई है, पर अभी जो इसका बैटर है खमन के हिसाब से परफेक्ट नहीं है, तो हमें इसे थोड़ा पतला करना पड़ेगा। तो जो दही की कटोरी है उसके अंदर मैंने 1 बड़ा चम्मच जितना पानी डाला है वो इसमें ऐड कर रही हूँ। 1 छोटी चम्मच जितना मैं नमक ऐड करूँगी, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर लीजिए। और दोस्तों, अगर आप मीठा पसंद करते हैं तो इसमें आप चीनी डालिए। दोस्तों, अब चीनी और नमक हमने इसमें ऐड किया है, तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, हमें इसके अंदर इनो ऐड करना है। अगर आपके पास इनो नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसके अंदर मीठा सोडा यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इनो का पाउच ऐड कर रही हूँ। इससे दोस्तों हमारा जो खमन ढोकला है बहुत ही अच्छा बनेगा। आप देख सकते हैं एकदम से सूजी फूल गई है, और बैटर में देखिए ये ऊपर बबल्स दिख रहे हैं। तो अच्छे से हम इसे 1 मिनट तक फेंट लेते हैं। अब दोस्तों, इसे जिस प्लेट में हमें बनाना है वो मैं यहाँ पर ले रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर इडली के कुकर में जो प्लेट्स आती है खमन बनाने के लिए वही यूज़ की है। आप चाहें तो कोई भी टिफ़िन या कोई भी डिब्बा ले सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इसे अच्छे से तेल लगा करके ग्रीस कर लेते हैं। दोस्तों, तेल जो लगा रहे हैं वो किनारों पे भी अच्छे से फैला लीजिए, ताकि जब हम ये बैटर इसके अंदर डालें तो बनने के बाद ये चिपके नहीं, आसानी से किनारों से छूट जाए और इजीली हम उसे बाहर निकाल लें। तो अच्छे से तेल लगा के प्लेट को ग्रीस कर लीजिए। अब दोस्तों, कुकर में मैं गर्म पानी चढ़ा रही हूँ, जिसमें मुझे खमन बनाना है। और ये जो बैटर मैंने बनाया है उसे मैं इस प्लेट के अंदर डालूंगी। दोस्तों, बैटर मैंने प्लेट के अंदर डाल दिया है, तो अब इस प्लेट को मैं कुकर के अंदर स्टीम होने के लिए रखूंगी। आप कोई भी जाली वाला बर्तन भी अगर आपके पास हो तो उसमें स्टीम कर सकते हैं। तो इसको मैं एक बार कुकर में रख देती हूँ। दोस्तों, इस पर हम हल्की सी लाल मिर्च पाउडर छिड़केंगे, उससे टेस्ट भी बढ़िया आएगा और लुकिंग भी बहुत अच्छी आएगी खमन की। बस हल्की सी हमें मिर्च पाउडर छिड़कनी है, और अब मैं इसे ढक्कन लगाकर 10 से 15 मिनट के लिए स्टीम होने दूंगी। दोस्तों, 10 से 12 मिनट हो गए हैं, तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, बिल्कुल भी चाकू पे नहीं चिपक रहा है, इसका मतलब ढोकला हमारा तैयार है। तो फ्लेम को मैं ऑफ कर लेती हूँ और इस प्लेट को बाहर निकाल लूँगी। दोस्तों, खमन हमने
ये ठंडा होने के लिए रखा है, तब तक हम इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। दोस्तों तड़का बनाने के लिए मैंने पैन गैस पर रख दिया है, इसमें मैं 1.5 चम्मच जितना तेल डाल रही हूँ। तेल को थोड़ा गर्म होने देते हैं। दोस्तों तेल गर्म हो चुका है तो हम इसके अंदर हींग डाल रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने 1/2 छोटी चम्मच जितनी हींग डाली है, 1 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच राई डाली है। थोड़े से मैंने मीठे नीम के पत्ते लिए हैं, वो भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और थोड़ी बड़ी साइज़ में मैंने हरी मिर्च को चॉप किया है, तो वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। हल्का सा इन्हें फ्राई करके फ्लेम को मैं ऑफ कर दूंगी। तो तड़का भी दोस्तों हमारा तैयार है। तो अब पहले खमण हम सर्विंग प्लेट में ले लेते हैं, उसके बाद हम उसके ऊपर तड़का डालेंगे। किनारों से चाकू से हम थोड़ा कट लगा लेते हैं। वैसे तो दोस्तों ये ठंडा हो गया है तो बड़ी आसानी से निकल जाएगा। अब साइज आप कितनी चौड़ी या पतली या मोटी रखना चाहते हैं आप उस हिसाब से इसमें कट लगा दीजिए। तो अब हम इसके पीस निकाल लेते हैं। दोस्तों सूजी के हमने खमन ढोकला प्लेट में सर्व कर लिए हैं। तो अब हम इसके ऊपर जो तड़का हमने रेडी किया है वो हम इसके ऊपर डालेंगे। तो बहुत ही आसान है इसे बनाना और ये गुजराती डिश है दोस्तों। मुझे चीनी पसंद थी तो मैंने बैटर में चीनी डाली है, आप स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको मीठा पसंद नहीं है तो। तो ये फटाफट से हमारा खमन ढोकले का नाश्ता तैयार है। अगर दोस्तों आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो अपना कमेंट मुझे ज़रूर भेजें और लाइक करना नहीं भूलें। थैंक यू।